का महीना रिमझिम बारिश का महीना है। उमड़ घुमड़ कर काली घटाएं आती हैं, बरसती हैं और चली जाती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। कोयल, मोर और पपीहे की आवाजें सुनाई देती हैं और इसी महीने में पड़ता है महिलाओं का त्योहार हरियाली तीज। हरियाली तीज वर्षा ऋतु का स्वागत करती है। तीज का अर्थ होता है हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन। वर्षा ऋतु में आने वाली इस तीज को हरियाली तीज, हरतालिका तीज, तीज और भी कई नामों से जाना जाता है। इस तीज को सिंधारा तीज भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर विवाहित स्त्रियों के घर से इस तीज के अवसर पर सुंदर सुंदर गहने, चूड़ियां और कपड़े आते हैं, जिसकी वजह से इस तीज का नाम सिंधारा तीज भी पड़ गया है। राजस्थान में तीज महोत्सव की छटा देखते ही बनती है। यहाँ पर यह धार्मिक उत्सव के साथ साथ एक सामाजिक उत्सव भी है। राजस्थान में तीज माता की सवारी निकाली जाती है और यहाँ के राजघराने इसको पूरी धूमधाम से निकालते हैं। राजस्थान के बूंदी में तीज के महोत्सव पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में तीज के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। हरियाणा में दफ्तरों की छुट्टी रहती है और सरकार की तरफ से अनेकों उत्सवों का आयोजन किया जाता है। लड़के पारंपरिक रूप से सुबह से शाम तक पतंग उड़ाते हैं। पंजाब में तीज को तीयन कहा जाता है और 13 दिन तक अर्थात तीज से पूनम तक इस उत्सव को मनाया जाता है। कजरी तीज भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसको भून तीज भी कहा जाता है। राजस्थान में कजरी तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस समय गाए जाने वाले लोकगीतों को कजरी कहा जाता है और नीम की पूजा की जाती है। एक लेजेंड के अनुसार माँ पार्वती जब शैल पुत्री के रूप में हिमालय की पुत्री थी, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह तय कर दिया। उन्होंने जब ये बात अपनी सखी को बताई तो वह उनको लेकर जंगल में भाग गई ताकि उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ न हो सके। जंगल में भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माँ पार्वती ने शिवलिंग बनाकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको विवाह का वादा किया और माता पिता के आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न हुआ। सखी के द्वारा हरण करने का यह व्रत हरितालिका कहलाया, क्योंकि हरित अर्थात हरण और आलिका अर्थात सखी। इस दिन स्त्रियां दिन रात जाकर उपवास करती हैं व अपने सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। चाक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान गणेश व महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखनी प्रारंभ की थी। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने गन्ने का रस ग्रहण कर एक वर्ष के उपवास का पारण किया था। वैसे तो तीज पार्वती से संबंधित है, लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी व अन्य मंदिरों में इस दिन से राधा कृष्ण को झूला झुलाकर झूलन लीला या झूलन उत्सव आरंभ किया जाता है, जो जन्माष्टमी तक चलता है। तेलंगाना की बंजारा ट्राइब का भी सबसे बड़ा महोत्सव तीज है, जिसको काजल तीज कहा जाता है। गुजरात में भादो मास की तृतीया को केवड़ा तीज या केवड़ा त्रिज के रूप में मनाया जाता है। गोवा में इसको ते अथवा तई के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि नेपाल व साउथ ईस्ट एशिया में भी अनेकों रूप में इस त्योहार का प्रचलन है। ये त्योहार श्रृंगार रस का त्योहार है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, उमड़ घुमड़ कर नाचती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहा भी गया है, सावन का महीना पवन तेरे शोर, जियर झूले ऐसे जैसे मनवा नाचे।